नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे टू जेट प्रोसेस। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों, अगर आपके पास एक राशन कार्ड है और उस राशन कार्ड में सभी फैमिली का नाम है और सभी फैमिली का शादी हो गया है और सभी फैमिली अलग अलग हो गए हैं और आप चाहते हैं कि फैमिली जिस प्रकार से अलग हो गए हैं उसी प्रकार से राशन कार्ड सभी का डिवाइड हो जाए, सभी का राशन कार्ड अलग अलग बन जाए, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सभी फैमिली जो अलग अलग हुए हैं उसी प्रकार से राशन कार्ड को हम किस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। इस वीडियो में पूरी डिटेल्स मैं स्टेप बाय स्टेप करके बतलाने वाला हूँ और दोस्तों राशन कार्ड के अधिकारी से हमने बात किया हूँ, उसका लाइव रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को कम्प्लीट देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो जी, बोलिए जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, हम ये जानना चाहते हैं कि राशन कार्ड हमारे पास एक है। अच्छा। और फैमिली ज्यादा हो गया और शादी शुदा भी हो गए हैं, सब अलग अलग हो गए। अच्छा, तो उसमें अलग अलग सबको राशन कार्ड कैसे बनेगा? बनेगा उस राशन कार्ड में जिनका जिनका नाम है जी, उनको भी अलग करवाना है जी। तो एक प्रपत्र ख फॉर्म आता है, ठीक जी, ना जी सर, उसको फिलअप कीजिए और जितना भी आदमी का नाम उसमें से कटवाना है जी उसको नाम उसमें डाल दीजिए और जी। उसका आधार और राशन कार्ड के फोटो को पीछे से नाम हटवाना है जी जी। आरटीपीएस काउंटर पर जमा कर दीजिए ब्लॉक में जी सर। और उसका रिसीविंग जो भी देगा जी, उसको आप ठीक से रखेंगे जी। और ठीक एक एक से डेढ़ महीने के बीच में इस नंबर पे आपको अगर नहीं होता है जी सर, तो आप रिपीट कॉल कीजिएगा जी सर। उसका स्टेटस हम आपको चेक करके बता देंगे कि क्या हो रहा है अभी जी सर। और जैसे ही उसका नाम कट जाता है उस राशन कार्ड से, फिर दूसरा अपना अपना जो उनको अप्लाई करना होगा अपना अप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी जी। ठीक, तो ये जो अभी ऑफलाइन की सुविधा, ऑनलाइन की सुविधा नहीं है? नहीं, नाम कटवाने और जुड़वाने का ऑफलाइन का ही सुविधा है, ऑनलाइन का नहीं। तो मतलब अगर नाम पत्र का जमा करते हैं जी तो एक महीना टाइम लग जाता है समथिंग। तो दोस्तों आपने सुन लिया कि राशन कार्ड में अगर फैमिली का नाम अलग अलग करके राशन कार्ड को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले कि राशन कार्ड में फैमिली का नाम को हटाना होगा और नाम हटाने के लिए आपको ऑनलाइन की कोई भी सुविधा नहीं है, ऑफलाइन की सुविधा है। प्रपत्र ख भरकर आरटीपीएस काउंटर पर जमा करना होगा और जैसे आपका नाम कट जाता है वैसे दोस्तों आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों राशन कार्ड को फैमिली में डिवाइड करने का यही एक रास्ता है, यही रास्ता से राशन कार्ड को अलग अलग फैमिली में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा।